श्री राम जय बागेश्वर धाम। दोस्तों क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि मात्र एक पेड़ को आपको छूना है और आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, चाहे वो कर्ज से मुक्ति चाहते हो, चाहे धन प्राप्ति के अलग अलग रास्ते आप पाना चाहते हो, चाहे संतान हो या फिर शादी विवाह या घर का कलेश ही क्यों ना हो। अगर आप नया घर भी बनाना चाहते हैं या नया फ्लैट, नया प्लॉट कुछ भी लेना चाहते हैं, तमाम प्रकार की मनोकामना बस इस पेड़ को छूने मात्र से ही आपकी तुरंत ही पूर्ण हो जाएगी। क्या आपको इस बात पर यकीन हो रहा है? तो आपको इस खास वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार में गुरु जी ने इस चीज को करके दिखा दिया है। और अगर आप भी पूरी जानकारी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आज की इस खास वीडियो को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, पेड़ को छूना तो खास बात है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप कब छू रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि नवरात्रा का पावन महीना, पावन पर्व चल रहा है, और ये दिन ऐसे हैं जब माता रानी सबसे जल्दी प्रसन्न होती है, क्योंकि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप पूरी धरती पर ब्रह्मांड में विराजमान होती है अलग अलग जगह पर। और आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में अनेकों देवी देवताओं के स्वरूप वृक्षों के अंदर ही वास करते हैं, और इस समय हर एक वृक्ष जागृत अवस्था में होता है। माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप इन पेड़ों में वास करते हैं, और आज मैं आप सभी को पाबंद पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगी। नवरात्रा का ये पावन पर्व चल रहा है, तो नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे खास वृक्ष हैं जिनमें देवीय शक्तियां पाई जाती है। देव वृक्ष कहे जाते हैं, ये देवी के स्वरूप होते हैं, और हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर ही हम इनकी पूजा भी करते हैं, और हमें ये पूजा भी जरूर ही करनी चाहिए। साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु देते हैं, और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास खींच लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिसमें नकारात्मक चीजें होती है, और उसे अपने अंदर स्वयं में सोख लेते हैं, समा लेते हैं, और फिर भी हमें ताजगी ही प्रदान करते हैं। तो आज मैं आप सभी को बहुत खास उपाय बता रही हूँ। नवरात्रा के समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। व्यक्ति को सौभाग्य को चमकाने की ये एक चाबी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है गीता के अंदर कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, पीपल के वृक्ष में वृक्षों का राजा इसे कहा गया है। वैसे तो आप सभी ने देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म में पीपल का वृक्ष हो या फिर बरगद हो या माँ तुलसी हो, इन सभी की पूजा होती है। इसके साथ ही आंवला, नीम, कई प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके अंदर देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूप विद्यमान होते हैं। और इस समय तो नवरात्रा का पावन पर्व चल रहा है, यानी कि शक्ति का महापर्व, और इस समय किए गए उपाय अपने आप में ही सिद्ध होते हैं। नवरात्रि ही एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है, केवल 9 दिनों के भीतर आपकी लंबी पूजा पाठ करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। केवल 9 दिनों के भीतर आप अपनी किसी भी समस्या का अंत कर सकते हैं, अपनी गरीबी को जड़ से अपनी आंखों के सामने समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिन वृक्षों के बारे में आज मैं बताऊंगी, ये सारे वृक्ष आपको अपने घर के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी आपको बताऊं, उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, मार्गदर्शन पसंद आ रहा है, आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका छोटा सा लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प जानकारी, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा ध्यान मेरी आवाज पर रखिएगा। देखिए, बहुत ही सरल सरल सी चीजें आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक उपाय रामबाण होता है। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर ऐसे ही उपाय बताए जाते हैं जिसमें आपका एक भी पैसा खर्च ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे चैनल पर वही लोग आते हैं जो किस्मत से हार मान चुके होते हैं और पंडितों को और अलग अलग डॉक्टर्स को हजारों लाखों रुपए खर्च करके थक चुके होते हैं। इसलिए हम आपका एक भी पैसा अब खर्च होने बिल्कुल भी नहीं देंगे, बल्कि आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो बिल्कुल ही मुफ्त की सामानों से होते हैं। इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। हर एक उपाय बिल्कुल ही कारगर और प्रभावशाली होता है। दोस्तों, आपको 3 ऐसे पेड़ों के बारे में बताऊंगी
जिनको नवरात्रा के दौरान किसी भी समय आपको छू करके आ जाना है। एक खास बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि नवरात्रा के समय में जितना ज्यादा हो सके देवी देवताओं की पूजा हमें जरूर ही करनी चाहिए, और खास कर देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष आते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से वृक्ष को छूना चाहिए जिससे कि हमारी गरीबी मिट जाए। पहला जो वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, बेल के वृक्ष के अंदर माता पार्वती का स्वरूप विद्यमान होता है, और पुराणों के अनुसार नव दुर्गा के स्वरूपों में एक स्वरूप माँ पार्वती का भी होता है। और जो बेल का वृक्ष होता है वो माँ पार्वती के पसीने से ही उत्पन्न हुआ है, और इस पूरे वृक्ष के अंदर भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। तो नवरात्रा के समय में किसी भी नव दुर्गा के मंदिर के आसपास आपको कहीं भी बेल का वृक्ष अगर आपके आसपास में है तो बस आपको संध्या काल के समय इसे छू लेना है। कहीं भी मंदिर के आसपास आप जाकर देखें, और वहां जाकर आपको एक घी का दीपक भी जो है जला देना है। जो व्यक्ति धनवान बनना चाहता है और किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी समस्या से जूझ रहा है और पराक्रमी है, कहने का मतलब है मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आपको बेल के वृक्ष को छू करके वहां पर अपनी मनोकामना को बोलना है, और वहीं पर आपको एक घी का दीपक संध्या काल के समय जला देना है। और अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की व्याधि से परेशान है यानी कि बीमारी से परेशान है तो बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ा देना है। किसी भी नवरात्रा के दिन जाकर के आपको बस बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ा दे, कैसी भी प्रकार की व्याधि क्यों ना हो वो तुरंत ही दूर हो जाएगी। और अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी जड़ से समाप्त हो जाती है। और अगर आप इसी बेल के वृक्ष में तेल चढ़ाते हैं यानी कि जड़ के अंदर तेल चढ़ाते हैं तो ऐसे में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरा जो वृक्ष है वो है शमी का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, शमी के वृक्ष में स्वयं जगदम्बा का स्वरूप माना जाता है इसे, और शमी का वृक्ष अपने आप में ही माँ जगदम्बा की एक खड़ी मूर्ति के समान है। इसमें स्वयं माँ जगदम्बा साक्षात रूप से विराजमान होती है, और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय इसके नीचे धूप बत्ती जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उसकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। शास्त्रों में भी ये चीज कही गई है कि आप चाहे तो नवरात्रा के 9 दिन या 5 दिन या किसी भी एक दिन भी अगर आप इस काम को करते हैं यानी कि नवरात्रा के किसी भी दिन जाकर लाल रंग की 2 चूड़ियां अगर आप शमी वृक्ष पर समर्पित कर देते हैं तो आपकी कैसी भी पुरानी से पुरानी मनोकामना क्यों ना हो हर मनोकामना उसी समय पूर्ण हो जाती है। लाल चूड़ियां अगर कोई महिला जाकर चढ़ाती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और उनके पति की आयु दीर्घायु होती है और अकाल मृत्यु के भय से भी उन्हें मुक्ति मिलती है। और इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है जिसे कि देव वृक्ष भी कहा जाता है वो है पारिजात का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ था, और ये देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात का वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे, और जो पारिजात का वृक्ष होता है इसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थी और पारिजात का वृक्ष भी समुद्र मंथन से ही आया था। इस नाते पारिजात का वृक्ष माता लक्ष्मी की बहन हुआ, और ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य उनके शरीर में किसी भी प्रकार की थकावट या फिर कोई पीड़ा हो तो नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर अगर आप व्रत रखे हैं और व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकावट है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में जाकर छू करके आ जाना, कैसी भी आपकी थकावट या बीमारी क्यों ना हो तुरंत उसी समय दूर हो जाती है। आप तो नवरात्रि के किसी भी टाइम पर आप जा सकते हैं, उस समय जाकर के आपको ब्रस वृक्ष को छू करके आपकी जैसी भी पीड़ा है वो बतानी है और आपके तुरंत ही वो पीड़ा दूर हो जाएगी। यदि इस वृक्ष के नीचे अगर नवरात्रा के समय में घी का दीपक जलाया जाए और चुटकी भर सिंदूर अगर आप इसकी जड़ में डालकर आ जाए, सभी प्रकार की आपकी मनोकामनाएं उसी समय पूर्ण हो जाती है।
दोस्तों आप एक बार इन उपायों को करके जरूर देखिएगा। आप सभी से मेरी यही गुजारिश है क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर किसी एक व्यक्ति की भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूर्ण हो जाता है। छोटे छोटे से उपायों को पूरे अच्छे प्रकार से समझाने का पूरा प्रयास किया जाता है और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से भी मुझे पूछ सकते हैं और अगर आपकी कोई अलग से निजी परेशानी है तो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो के माध्यम से आपको समाधान जरूर बताऊंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।